नमस्कार, आपण पाहत आहात शौर्य मराठी। भ्रष्टाचार विरोधात लढणाऱ्या नागरिकांचे मनोबल वाढावे यासाठी सैनिक समाज पार्टीतर्फे रविवारी भ्रष्टाचार संदर्भात तक्रार करणाऱ्या व लाचखोरांना पकडून देणाऱ्या नागरिकांचा सत्कार करण्यात आला। शहरातील हॉटेल मोराको येथे या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते। कार्यक्रमाला अहमदनगरचे ॲडव्होकेट शिवाजीराव ढमाले, अरुण खिंची उपस्थित होते। कार्यक्रमात रामदास निकुंभ, राजू कुमावत, सुनील नाजदे, अमोल कोल्हे, दीपक कुमार गुप्ता यांसह विविध जिल्ह्यातील 15 नागरिकांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी डॉक्टर सरोज पाटील यांसह काही सत्कारार्थींनी मनोगत व्यक्त केले। या प्रसंगी सैनिक समाज पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी ईश्वर मोरे, महाराष्ट्र जागृत जनमंचचे शिवराम पाटील, दिनेश भोडे, अनिल नाटेकर, सूरज पांडे, राकेश वाघ, ॲडव्होकेट एस आर पाटील, जितेंद्र महाजन, नीलकंठ पाटील, डॉक्टर पृथ्वीराज पाटील, अभिमान हटकर उपस्थित होते। सब कुछ लेना देना जो व्यवहार होता है ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है। ग्राम पंचायत के माध्यम से ही गांव का विकास होता है, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव को बकास कैसे किया जाता है वो जब तक होता है जब तक हम जागरूक नहीं होते। उस जागरूकता के अनुरूप 2007-08 के अंदर हमारे यहाँ पे गाँव के ग्राम पंचायत की पानी की टंकी 13 लाख की ग्राम पंचायत की पानी की टंकी आई थी और उस पानी की टंकी का पूरा पेमेंट उन लोगों ने निकाल दिया था। हालांकि पानी की टंकी उस जगह बनी नहीं थी। उस मुद्दे को लेकर हमने ग्राम सेवक से जवाब मांगा, ग्राम सेवक ने कॉपरेट नहीं किया। सीओ तक गए, वहाँ दिल्ली है महिला, हम कलेक्टर तक गए और लड़ाई यहाँ तक लड़ी हमने। तो वहाँ तक गए, फिर लास्ट में हमारा हम यशस्वी रहे और राणे करके ग्राम सेवक जो था उससे 3,11,700 रुपये सरकारी खाते में रिफंड हमने जमा करवाया और आज हमारे गांव की कंडीशन ये है कि आज भी हमारे यहाँ पानी की टंकी नहीं है। और गुलाबराव पाटिल जी हमारे स्वच्छता और पानी पुरवठा मंत्री है, मंत्री के सामने, मंत्री महोदय के सामने कई बार हमने अपील की लेकिन एक बार योजना हमारे हाथ से निकल गई। मंत्री महोदय न तो आज तक हमारे यहाँ ध्यान दे रहे हैं और मंत्री महोदय की योजना न तो हमारे पास तक आ रही, लेकिन इसलिए हमारी पूरी टीम के माध्यम से लड़ा देते रहेंगे और गाँव में पानी की टंकी बनाते रहेंगे। और आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हम यदि एकजुट, हम इतने ही लोग एकजुट हो गए तो हम पूरे जिले को मिला सकते हैं। तो मैं इस समय ये जो मंच हमें आज मिला है इस मंच के माध्यम से आप सबसे अपील करती हूँ कि आज से हम सब एक हो गए। किसी भी गांव में समस्या हो, चाहे वो हमारा गांव हो ना हो, लेकिन उस गांव में जाके उस समस्या का हल करना हमारा कर्तव्य है।